बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़े आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह खग्गा। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा प्रोग्राम हमारे पिछले प्रोग्राम्स का तसलसल है। फ़राज़ी साहब ने प्रोग्राम के पहले हिस्से में दौलत की अच्छाइयों पर बात की, फ़राज़ी साहब ने प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दौलत की बुराइयों पर बात की। आज हम लोग मज़ीद जानना चाहते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम में फ़राज़ी साहब दौलत पे क्या बात करना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़राज़ी साहब, आपने प्रोग्राम के जिस तरह अभी मैंने पहले बताया कि जी प्रोग्राम के पहले हिस्से में बहुत खूबसूरत बातें की, दौलत की अच्छाइयों के बारे में बातें की, फिर बुराइयों के बारे में बातें की, आज हम जानना चाहते हैं कि आप मज़ीद दौलत के ऊपर क्या बात करना चाहते हैं। शाह साहब, मेरे जहन में असल में ये आ गया कि दौलत अगर रोज़ मैशर अल्लाह के दरबार में हो और अल्लाह दौलत से बाज़पुरस करे जी, तो दौलत क्या जवाब देगी? बहुत खूब। वैसे सुनने में और पढ़ने में यही आता है कि दुनिया की हर चीज़ जवाबदेह है। उसमें दौलत ले लें, उसमें ज़मीन ले लें, उसमें हवा ले लें, उसमें आग ले लें, उसमें पानी ले लें, इवन अबलीस ले लें, पूछा सबसे जाएगा। जैसे इंसानों के मुतल्लिक ये है कि इंसानों के अज्जा बोलेंगे, तो मैं इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इसलिए तीसरा प्रोग्राम कर रहा हूं कि अगर दौलत से पूछा जाए कि तुम्हारा ये 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 कसूर है, तो दौलत क्या जवाब देगी। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला दौलत से पूछे, क्या दौलत तेरी वजह से लाखों खरब इंसान दुनिया में कत्ल हुए, तो दौलत क्या जवाब देगी? दौलत जवाब देगी, क्या मेरे रब्बुल इज्जत, मैंने इंसान को भलाई का रास्ता दिखाया, मैंने इंसान को भलाई पर चलाने की कोशिश की और मैं उस जगह इस्तेमाल हुई जो इंसान भलाई कर सकता था। लिहाजा अल्लाह मियां को जवाब देगी कि मैंने किसी इंसान को कत्ल नहीं किया। रब्बुल इज्जत ये जो सवाल करेंगे वो इसलिए करेंगे कि किसी के पास दौलत ना होती तो कोई बंदूक ना बनती, कोई तलवार ना बनती, कोई तीर ना बनता, कोई एटम बम ना बनता, कोई ऐसी चीज़ ना बनती, हत्ता कि चाकू छुरी ना बनती। ये सब चीज़ें पैसों से बनती हैं। तो लिहाजा ये मैं फर्जी कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला दौलत से पूछेगा कि ये जो खरबों कत्ल हुए हैं इसकी जिम्मेदारी तुझ पर है। दौलत कहेगी नहीं, मुझ पर नहीं है, मैं तो अच्छे कामों में भी इस्तेमाल होती रही। ये सारी कोताहियां इंसान की हैं, इसने मुझे जहां चाहा इस्तेमाल कर लिया, जहां चाहा मुझे छोड़ दिया। मैंने इंसान को अच्छाइयों के रास्ते दिखाए हैं। क्या बात। जब अल्लाह का हुक्म आता है कि तुम्हारे पास जो माल है उसको अल्लाह की राह में खर्च करो, तो दौलत कहेगी मेरे लिए तो ऐ रब्बुल इज्जत आपने हुक्म फरमाया था कि मैं आपकी राह में खर्चूं, और जिसने मुझे आपकी राह में खर्च किया है उसने ये रब्बुल इज्जत आपके यहाँ मकाम पा लिया है। बहुत खूब। लिहाजा मैं अपनी सफाई में यही कहना चाहती हूँ कि मैंने दुनिया में किसी इंसान को कत्ल नहीं किया, मैंने दुनिया में कोई जुल्म नहीं किया, इंसान ने मुझे इस्तेमाल करके जुल्म किए हैं। फिर फैसा, मैं आपसे सिर्फ ये यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आप ये समझते हैं कि जो इंसान के पास इख्तियार की ताकत है वही इसका वसफ है, वही इसकी क्वालिटी है जिसकी वजह से ये मस्जूदल मलायक है जी, और इसकी बर्तरी का सबब भी ये इख्तियार की ताकत है जी।
اختیار کے ساتھ مطلب آپ یہ بھی کہہ لیں کہ دولت جی, اختیار جس آدمی کے پاس آ جاتا ہے وہ بغیر دولت کے بھی وہ انسانیت کے بھلا اور نقصان کر سکتا ہے, لیکن دولت ہو اور اس کے پاس دنیاوی کوئی عہدہ نہ ہو, دنیاوی کو اور کوئی طاقت نہ ہو, پھر بھی انسان اس دنیا میں اچھائی برائی کر سکتا ہے, چونکہ اس کے پاس وہ چابی ہے جس سے اچھائی برائی کی جا سکتی ہے, اور وہ چابی ہے دولت. اب اللہ تعالیٰ کو دولت کہے گی, اے رب العزت کعبہ کس نے تعمیر کیا, کعبہ کس نے تعمیر کیا؟ وہ جن لوگوں نے کعبہ تعمیر کیا انہوں نے بھی تو مجھے ہی خرچ کیا, تو میں نے اے اللہ میاں زمین پر تیرا گھر بنایا جہاں پہ کروڑوں لوگ جا کر تیرا طواف کرتے ہیں, تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں, تو وہ میں نے میرے ہی وجہ سے زمین پر بنا. اور پھر مسجد حرم, مسجد اقصی اور کروڑ ہاں میرے رب العزت جو مساجد یا عبادت گاہیں بنائی گئی وہ میری وجہ سے بنائی گئی, ان میں بھی میں ہی کار فرما تھی. اب کوئی انسان وہ کہے گی اے اللہ میاں جن لوگوں کے پاس بہت دولت تھی, بہت اختیار تھا, تو جن کے پاس میں لا تعداد تھی, ان کو تو اللہ میاں آپ نے سزا دی. پھر دولت کہے گی کہ قارون کیا تھا, وہ تو میرا بہت بڑا وارث تھا, اس کو تو بڑی عبرت کی سزا ملی. شداد کیا تھا جس نے اے اللہ میاں جنت بنائی, اور اس کے پاس بھی میں تھی اور میری وجہ سے ہی وہ جنت بنا رہا تھا. اور پھر فرعون کیا تھے, پھر نمرود کیا تھے, یہ جتنے لوگ اپنے آپ کو اس زمین پر طاقتور سمجھتے تھے ان کے ہاتھ میں میں ہی تھی, میری وجہ سے ہی وہ طاقتور تھے, اور پھر ان کو آپ نے غرق کیا اور ان کو آپ نے سزا دی, اور آپ نے نیک اور برگزیدہ لوگوں کو جن کے پاس میں تھی ان کو جزا دی. سزا اور جزا دونوں میں میرا کوئی دخل نہیں تھا. اے رب العزت اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے سزا دیں تو میں حاضر ہوں, لیکن میں دنیا کے انسانوں کے سامنے اتنی بے بس تھی, اتنی لاچار تھی, اتنی مجبور تھی کہ انسان نے مجھے اپنے پاس رکھ کے انسانیت پر ظلم کیے, جبر کیے. میں جانتی تھی کہ انسان ظلم کر رہا ہے, جبر کر رہا ہے, لیکن میں مجبور تھی. میں یہ مانتی ہوں جس کرہ عرض پہ اربوں کروڑوں سال دنیا آباد رہی ہے اس پہ میرا بہت بڑا اختیار رہا, میرے اختیار کی وجہ سے اس دنیا میں بڑی اچھائیاں ہوئیں, بڑی برائیاں ہوئیں. تو اے رب العزت میں تیرے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہوں, میں سمجھتی ہوں کہ جتنے ظلم مجھے رکھ کے انسان نے کیے اس کی سزا اور جزا کا حقدار انسان ہی ہے. انسان کو اے میرے مولا سزا دے, انسان کو میرے مولا جزا دے, میں تو انسان کے آگے محکوم تھی. فیض صاحب آپ سے بڑی خوبصورت باتوں کا سلسلہ جاری ہے, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین محترم یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک. ارے بھائی ایسے نہیں, ہمیں سب پتا ہے. جو کہیں ہمیں سب پتا ہے, سمجھ لیجئے انہیں کچھ پتا نہیں.
आप भी अपनी डायरेक्शन सीधी कीजिए और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पहले रियल एस्टेट वेब चैनल नगर न्यूज पर प्रॉपर्टी एड फ्री पोस्ट कीजिए। प्ले स्टोर में जाकर हमारी ऐप नगर न्यूज डाउनलोड कीजिए और प्रॉपर्टी एड में जाकर अपना प्रॉपर्टी एड बिल्कुल फ्री पोस्ट कीजिए। इसके अलावा नगर न्यूज चैनल पर अपने प्रॉपर्टी बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा तशहीर कीजिए, वो भी इंतहाई कम कीमत पर। इसलिए तो कहते हैं, खर्चा कम चर्चा ज्यादा। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़े आम और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब औरंगजेब फराजी साहब। जी फराजी साहब जी, उसके बाद फिर सवाल जवाब शुरू होंगे। अल्लाह पाक फरमाएंगे, क्या दौलत तूने इंसानों के अंदर हवस हिरस अर्ज पैदा की और फिर इंसान ने तुझे हासिल करने के लिए हर वो हरबा इस्तेमाल किया जो तू ना होती तो वो ना करता, तू ना होती तो वो ना करता। फिर दौलत कहेगी इसमें फिर मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा फिर कोई कसूर नहीं। इंसान इंसान को अल्लाह मियां आपने उसके दिमाग के खुलियों में ये ताकत अता की कि वो इरस तमा लालच में पड़ गया। वो पड़ गया मेरी खातर पड़ गया, तो मैं चाहती भी थी बहुत सारे लोगों से दूर होना। और रब्बुल इज्जत एक बड़ी खूबसूरत बात, चूंकि मैं बोल नहीं सकती थी, मैं फरियाद नहीं कर सकती थी, लेकिन तेरी मखलूक हूँ, दौलत तेरी मखलूक हूँ, दरख्त तेरी मखलूक है, ज़मीन तेरी मखलूक है, हर चीज़ तेरी मखलूक है। तो मैं बाज़ुकात ये कहती थी कि दिल में कि ऐ अल्लाह, ये जो शख्स है जिसको मेरे रब्बुल इज्जत ने इसके हवाले कर दिया है, यानी दौलत को मैं उसके हवाले कर दिया है, तो ये जो जुल्म कर रहा है, ऐ रब्बुल इज्जत इससे तू मेरे हकूक छीन ले। तो उसका जवाब अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं जिससे चाहता हूँ बेहिसाब देता हूँ और जिसे चाहता हूँ छीन लेता हूँ। फिर अल्लाह ताला ने उससे दौलत छीन के, तो फिर दौलत कहती है कि ऐ रब्बुल इज्जत तूने मेरी उससे जान बचाई, वैसे मेरे मौला अगर तू चाहता तो कोई इंसान मेरी वजह से बुराई नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे साथ साथ अबलीस भी चलता था। यानी जिस दिन मुझे इंसान ने तख्लीक किया उस दिन अबलीस ने जश्न मनाया कि मेरी एक बहन, मेरा एक भाई, मेरा एक साथी इस कायनात में पैदा हो गया है जो मेरे काम के फ़राइज़ अंजाम देगा, तो लिहाजा मेरे रब अबलीस का मतलब ये था कि मैं भी अबलीस जैसा काम कर सकती हूं और लोगों ने मुझसे अबलीस जैसा काम लिया। अगर दुनिया की तारीख अल्लाह पाक तो जानते हैं, अगर अल्लाह पाक दुनिया की तारीख देखेंगे तो अल्लाह पाक कहेंगे कि हाँ इसके पास दौलत ना होती। मैं एक बात करता हूँ, अब मैं दुनिया की तरफ बात करता हूँ, अगर फ़िरौन, नमरूद, शद्दाद, कारून के पास दौलत ना होती तो क्या वो इंसानों पे जबर कर सकते थे? नहीं कर सकते। महकूम कमज़ोर लागर आदमी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, दौलत की ताकत से सब कुछ होता है। फिर अल्लाह मियां फरमाएंगे, है दौलत तूने दुनिया में ऐसे ऐसे बाजार, ऐसे ऐसे मरकज, ऐसे ऐसी हीरा मंडियें बनवाई और सब तेरी वजह से बनी। तू कहती है कि खाना काबा भी तो मेरी वजह से तामीर हुआ, तो ये बुरे बाजार और ये क्लब और ये नाइट क्लब और ये गंदगी के सारे माहौल भी तेरी वजह से पैदा हुए। फिर दौलत कही है रब्बुल इज्जत इसमें भी मेरा कोई कसूर नहीं।
वो जो तेरे बंदे जो कुर्राए अर्ज पर बोझ थे, वो मुझे इस्तेमाल करके ये जुर्म करते रहे, ये गुनाह करते रहे। अच्छा, अल्लाह ताला कहेगा ठीक है, ये बात मैंने मान ली कि तूने कुछ नहीं बनाया, लेकिन तू ये दावा करती है कि मैंने लाखों करोड़ों मस्जिदें बनवाई, तो फिर हीरा मंडियां भी तो दौलत से ही बनी है ना, ठीक है ना शाह जी। अच्छा, फिर आगे चले के फिर अल्लाह सवाल करेंगे, अल्लाह कहेंगे कि मैंने देखा कि दुनिया में जो बेचैनी स्त्राब पाया जाता है उसकी वजह भी तू ही थी। दुनिया जो मेरा इंसान था, मेरा जो नायब था, वो इसी वजह से बेचैन था, इसी वजह से बेताब था कि वो तुझे हासिल करना चाहता था, और सारी बेचैनी की वजह भी तू ही थी। फिर दौलत कहेगी कि रब्बुल इज्जत, जिनको आपने चैन अता किया उससे मुझे दूर कर दिया, जो तेरे बरगजीदा थे, जो पैगंबर थे, जो लिया थे, जो कलंदर थे, जो वली थे, उन्होंने मुझे आपने दूर कर दिया, और उन्होंने दुनिया में मुझे दूर कर दिया, तो वो तेरे बरगजीदा हो गए, और मुझे हुक्म नहीं था जाने का। फिर दौलत कहेगी कि जब हजरत अली करमुल्ला वजो और जब हजरत उमर बिन खिताब हजरत अवैस करनी के पास गए मक्के में, गए रसूल करीम का हुक्म था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप जब भी अवैस आए उसको मिलना और उसको मेरा पैगाम देना दुआ के लिए। तो मैं असल में दौलत की बात कर रहा हूं। जब वो मिले तो फिर सारी बातचीत हुई, सारा पैगाम दिया, सारी दुआ के लिए कहा, सब ये सब हो गया। तो जाते हुए हजरत उमर ने फरमाया कि ऐ अवैस, मेरे लिए कोई खिदमत है तो बताओ। बादशाह तो यही कहेगा जी, मेरे लिए कोई खिदमत है तो बताओ, अगर कुछ चाहिए तो ले लो। तो ऐ मेरे रब्बुल इज्जत, हजरत अवैस करनी ने कहा कि मेरे पास 2 दिनार हैं, वो मैं ही थी, 2 दिनार मैं ही थी, मेरे पास 2 दिनार हैं, ऐ उमर ऐ अली, अगर आप मुझे इन 2 दिनारों के खर्च होने के बाद की जिंदगी की गारंटी दे दें तो मैं और ले लेती। तो ऐ रब्बुल इज्जत, जिसको तूने अपना तकवा अता किया था उसने मुझसे नफरत की, सब समझ आ रही है ना? जी बिल्कुल, उसने मुझसे नफरत की, उसने कहा मेरे पास 2 दिनार मौजूद है, जो रब्बुल इज्जत मुझे जिंदगी देगा वो दिनार भी दे देगा, वो मुझे दिनार भी दे देगा। अच्छी लग रही ना बात? बहुत। तो फिर अल्लाह ताला को दौलत ने जवाब दिया। इसी तरह आप दुनिया की तारीख के लाखों हजारों जो अल्लाह के बरगजीदा लोग हुए हैं उनकी तारीख उठा के देखें तो अल्लाह ताला ने उन लोगों पर दौलत का वाजिब होना मना कर दिया कि तूने इनके करीब नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? कि ये मेरे बरगजीदा है। और ऐ रब्बुल इज्जत, मैं उन लोगों के करीब तो गई ही नहीं जो तेरे बरगजीदा थे। बहुत खूब। मैं तो दूसरे लोगों के करीब गई हूं जो समझते थे कि मेरे बगैर वो नामुकम्मल है। और ऐ रब्बुल इज्जत, इस दुनिया में जिस दुनिया से मैं आई हूं इसमें खरबों हां इंसान ऐसे आए जिन्होंने समझा कि सब कुछ मैं ही हूं। वो नादान जानते ही नहीं थे कि मैं यहीं रह जाऊंगी और तेरा ये फानी जिस्म इस कुर्रे अर्श से चला जाएगा। तो ऐ रब्बुल इज्जत, मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कभी किसी बुरे काम में हिस्सा नहीं डाला,
मैं खुद कभी नहीं चाहती थी कि मैं कोई बुरा काम करूं, और मुझसे इंसानों ने बुरे काम कराए, लिहाजा मेरे रब, लिहाजा मेरे खुदा, लिहाजा मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, और इन सारे गुनाहों की सज़ा वो जो तेरा इंसान है वो देगा, मेरे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये जो आप देगी दौलत, तो फिर एक सवाल और होगा कि जब कोई बीमार था तो तू उसके पास क्यों नहीं गई, जब कोई भूखा था तो तू उसके पास क्यों नहीं गई, जब कोई लाचार था तो तू उसके पास क्यों नहीं गई। तो दौलत कहेगी मेरे पास खुद जाने का भी इख्तियार नहीं था, मैं खुद जा भी नहीं सकती थी, मैं तेरे हुक्म के बगैर किसी के पास जा ही नहीं सकती थी, मैं आखिरी बात करती हूँ, मैं वाहिद वो चीज़ थी इस कुर्रा अर्ज पे जिसको हासिल किए बगैर हासिल नहीं होती थी, और जिसको तू चाहता था उसकी गोद में मुझे डाल देता था, जिसको तू चाहता था उसकी गोद से निकाल के किसी और की गोद में डाल देता था। फ़रेज़ साहब, हमारा प्रोग्राम अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। जी जी, मेरी आपसे इल्तमास है कि अगर आप मजीद कुछ और अशार ऐड करना चाहते हैं, अच्छा, मजीद कोई थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहते हैं तो प्लीज। असल में बात पता क्या है सर, जब किसी ऐसे ऐसे मौजूआत पे गुफ्तगू हो जिसकी गहराई इस ज़मीन के पाताल तक हो और सातवें आसमान तक हो, उन प्रोग्रामों को छोटे छोटे टाइम में, छोटे छोटे मिनटों में, छोटी छोटी लाइनों में ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल नाज़रीन को ये बात समझ आ गई होगी कि दौलत जब अल्लाह के सामने जाकर खड़ी होगी और दौलत से बाज़पुरस की जाएगी और पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में क्या क्या फसाद किए, तो दौलत बरी जिम्मा हो जाएगी। बिल्कुल, दौलत ये साबित करा देगी कि सारे गुनाह इंसान के, और इंसान को ये बात समझ लेनी चाहिए। तो उसी में दौलत कह रही है मैं इंसानों की वजह से मजबूर हो जाती थी, मैं इंसानों की वजह से मजबूर हो जाती थी, जुर्म ये करते थे और मैं मशहूर हो जाती थी, जुर्म ये करते थे और मैं मशहूर हो जाती थी। वो असल में कहती ये है कि फराजी ने ये जुर्म किया तो लोगों ने कहा इसके पास दौलत है इसलिए ये गुनाह करता है, मैं इंसानों की वजह से मजबूर हो जाती थी, जुर्म ये करते थे और मैं मशहूर हो जाती थी। मैं खुद किसी को कारून, मैं खुद किसी को कारून नहीं बना सकती। ये दौलत बोल रही है, किसी से करीब किसी से दूर हो जाती थी जब तेरा हुक्म होता था। अल्लाह, ठीक है ना जी, मैं इंसानों की वजह से मजबूर हो जाती थी, किसी के करीब किसी के दूर हो जाती थी जब तू हुक्म देता था, मैं तेरे हुक्म को मानती थी। तू खुदा है मैं ये जानती थी। अल्लाह, मैं तेरे हुक्म को मानती थी, तू खुदा है मैं ये जानती थी, तेरे हुक्म की नाफरमानी इंसान करता था। अस्तग़फिरुल्लाह, तेरे हुक्म की नाफरमानी, दौलत कह रही है तेरे हुक्म की नाफरमानी इंसान करता था, मुझे हर जगह जलील भी नादान करता था। अस्तग़फिरुल्लाह, मुझे हर जगह जलील भी नादान करता था। दौलत कह रही है मैं इंसानों की वजह से मजबूर हो जाती थी, मैं इंसानों की वजह से ऐ रब्बुल इज्जत मजबूर हो जाती थी, जुर्म ये करते थे और मैं मशहूर हो जाती थी। यानी सारा जितना इंसानियत की बुराई का मलबा है वो इंसान पे पड़ता था। मैं दो बातें नाजरीन से कर लूँ फिर आपकी तरफ आता हूँ। नाजरीन, असल में ये जो हम बातें करते हैं इनका बुनियादी मकसद ये है कि अगर आप फैज़ आम देखें तो अपने दिल में ये बात बिठाएँ कि दौलत इतनी ही फर्जी है, इतनी ही आर्जी है जितनी मेरी आपकी ज़िंदगी है। हमने असल में अपनी ज़िंदगी और दौलत को एक दायमी चीज़ तसव्वुर कर लिया है, हमने ये फर्जी बात की है। और ये बाज़पुरस होगी दौलत से, हर चीज़ से बाज़पुरस होगी, एक दरख्त लगा है उससे भी बाज़पुरस होगी। अल्लाह ताला ने जो मखलूक बनाई है, जो भी चीज़ बनाई है उससे पूछेगा
कि तूने दुनिया में क्या किया। तो लिहाजा इन इन बातों को करने का मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करें। मैंने वलियों कलंदरों का भी जिक्र किया ना, तो रिज़्क़ अल्लाह ताला ने आपको हर हालत में देना है, और जो मर्तबा है वो भी अल्लाह ने आपको देना है, और आप जितनी मर्जी दौलत कमा लें, इस बात को अपने जहन में रखें कि ये पाक साफ दौलत हो, जिस तरह अल्लाह ताला ने। अब एक एक छोटी सी बात करने के बाद आपसे माजरत चाहूँगा, टाइम थोड़ा है। जिस तरह अल्लाह ताला ने आपके वजूद के अंदर एक पाक खून रखा है, आपने कभी सुना कि इसके अंदर किसी जानवर का खून लगाया गया है? कोई बंदा बाहर हो गया तो उसको किसी जानवर का लगाया गया नहीं, आपका खून पाक है। आपके खून के पाक रहने की सिर्फ एक ही चीज़ है, हलाल, अगर आपने अपना खून पाक रखना। जी शाह साहब। फ्रेज साहब, आप दरवेश सिफ्त इंसान हैं, हम लोग कोशिश करते हैं आपसे कुछ ना कुछ सीख के। आज का प्रोग्राम बड़ी खूबसूरत बातों पे मबनी था, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। नाज़रीन मोहतरम, मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए उनवान के साथ। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।